सभी को नमस्कार। एक बार फिर से क्वेश्चन फिफ्थ की चर्चा हम करने जा रहे हैं। मानव भूगोल हमारा टॉपिक, हमारी किताब चल रही है और जिसके अंदर हम अवस्थिति, उचावच, जलवायु और जलराशियों के बारे में देख रहे थे कि मानव का पर्यावरण के साथ में कैसा संबंध है या फिर पर्यावरण के कारकों का मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए उस आगे बढ़ते हैं। अवस्थिति और उचावच, ये हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जलवायु। तो इस तरीके से हमने देखे थे पर्यावरण के घटक, इस तरीके से आप यहाँ से नोट्स बना लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे जलवायु से। तो जलवायु के लिए अरस्तु की बात हमें याद रखनी होगी कि जिसमें उसने कहा था कि गर्म प्रदेशों का जो मानव होता है वो आलसी होता है लेकिन तकनीकी ज्ञान वाला होता है, और ठंडे प्रदेशों का जो मानव होता है वो बहादुर होता है, साहसी होता है, लेकिन उसके पास में बौद्धिक कौशलता जो की कमी होती है। क्लियर है? इसका मतलब ये हो रहा है कि साफ जाहिर है कि जलवायु का मानव जीवन पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। फिर बात आती है हमारे पास में एक हटिंगटन, जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हटिंगटन अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, तो उन्होंने अभी अपनी किताब लिखी है जलवायु एवं सभ्यता। तो उसके अंदर भी उन्होंने सभ्यता की चर्चा की है कि मानव जो जाति थी उस पर किस प्रकार से जलवायु का प्रभाव पड़ा, किस प्रकार से वो उस टाइम का जो समाज है वो आज सभ्यता बन गया है। क्लियर? ऐसे ही हमारी सैंपल ने भी कहा है, तो चलिए देखते हैं। जलवायु पर्यावरण को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक है। तो ध्यान रखिएगा, जलवायु सबसे इम्पोर्टेंट कारक है जो पर्यावरण को नियंत्रित करता है। और कल हमने पढ़ा था कि जो उचावच होते हैं वे जलवायु के कारकों को नियंत्रित करते हैं, यानी जलवायु को प्रभावित कौन करता है? उचावच। तो उचावच भी एक पर्यावरणीय घटक है, पर्यावरणीय तत्व है, जलवायु को प्रभावित करता है, और जलवायु पूर्ण रूप से पर्यावरण को प्रभावित करती है या नियंत्रित करती है, क्योंकि जलवायु से प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जल राशियां और जीव जंतु प्रभावित होते हैं। कुमारी सैंपल ने कहा है, अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, इन्होंने इनकी जो किताब है इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इनकी किताब है। तो यहाँ पर क्या है, पर्यावरण के सभी भौगोलिक कारकों में जलवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। सभ्यता के आरंभ और उद्भव में जहाँ तक आर्थिक विकास का संबंध रहता है, जलवायु एक वृहद शक्तिशाली तत्व है। किसी भी सभ्यता के आरंभ, उसके उद्भव और उसके विकास में जो भी जो उसके स्टेप होते हैं, जो उसके चरण होते हैं, उसके अंदर आर्थिक जो शक्ति है उसका तो योगदान रहेगा। उसके साथ साथ वहाँ पर जलवायु भी अपना प्रभाव दिखाएगी। जलवायु मानव की मानसिक एवं शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव डालती है। प्रोफेसर एल्सवर्थ हटिंगटन क्या कहते हैं, मानव पर प्रभाव डालने वाले तत्वों में जलवायु सर्वाधिक प्रभावकारी है, क्योंकि यह पर्यावरण के अन्य कारकों को भी नियंत्रित करती है। पर्यावरण के जितने भी अन्य कारक रह जाते हैं हमारे पास में, जो भी अवस्थिति हो जाती है, जो भी हमारे पास में जल राशियाँ हो जाती हैं, तो वनस्पति हो जाती है, मृदा हो जाती है, उन सबको ये नियंत्रित करती है। पृथ्वी पर मानव चाहे स्थल पर या समुद्र पर, मैदान में या पर्वत पर, वनों में या मरुस्थल में, कहीं पर भी रहे, वह अपने आर्थिक कार्य करे, उसे जलवायु प्रभावित करेगी ही करेगी। क्लियर है बात? समझ रहे हैं? स्थल पर रहेगा तो अगर वो बिल्कुल स्थलीय भाग में है, जैसे हम उदाहरण लेते हैं मंगोलिया का, तो मंगोलिया जो देश है अब वो काम कर रहा है, अपना अपनी दिनचर्या जी रहा है, लेकिन उसकी स्थिति कैसी है, स्थलीय है, तो वहाँ तक जो मानसूनी हवाएं होती हैं वे नहीं पहुँच पाती हैं। तो इसका मतलब वो स्थल पर रह रहा है फिर भी उसके पास मानसूनी हवाएँ नहीं पहुँच रही हैं। अगर वो जल में रहे तो वहाँ जल में तूफान ही तूफान आएंगे, यानी बहुत ज़्यादा अति वर्षा होती रहती है, तूफान आते रहते हैं, चक्रवात आते रहते हैं। मैदानों में रहे तो उसके पास में बाढ़ आने की संभावना रहती है, पर्वतों पर रहे तो भूस्खलन की संभावनाएं रहती हैं। भूस्खलन किसकी वजह से हो रहता है, मैक्सिमम भूस्खलन जो होता है वो जलवायु के कारण ही होता है, यानी अतिवृष्टि के कारण ही होता है। तो इसका मतलब ये वर्षा क्या है, तो वर्षा जलवायु का एक तत्व है। तो इस प्रकार से जलवायु जो होती है वो मानव को
अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष रूप से ही प्रभावित करती है। अप्रत्यक्ष तो बहुत दूर की बात होती है। जलवायु के पांच तत्व क्रमशः वायुमंडलीय तापमान, सूर्यताप, वायुबार यानी कि वायुदाब, पवने आर्द्रता तथा वर्षा आदि मानों को प्रभावित करते हैं। तो आपने देखा ये जलवायु के पांच मुख्य तत्व हैं। सूर्य का ताप, सूर्य तापमान से वायुमंडल में तापमान बढ़ेगा, वायुमंडल में तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता बढ़ेगी। आर्द्रता कैसे बढ़ती है? वाष्पीकरण से बढ़ती है। आर्द्रता बढ़ती है, आर्द्रता बढ़ने से वायुदाब बढ़ता है और वर्षा होती है। तापमान जलवायु के महत्वपूर्ण कारक के रूप में वनस्पति को प्रभावित करता है। तापमान जो है वो जलवायु के कारक के रूप में क्या करता है? वनस्पति को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अनेक वनस्पति क्रियाएं जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, हरित लवक बनना, श्वसन करना, गर्मी प्राप्त करना, गर्मी प्राप्त कर अंकुरण आदि प्रभावित होता है। तापमान से ये सब चीज़ें प्रभावित होती हैं। और तापमान किसका हिस्सा है? जलवायु का एक हिस्सा है। वनस्पति की प्रकृति एवं वितरण भी तापमान से प्रभावित होते हैं। कहीं पर वनस्पति अधिक है तो कहीं पर कम है। आप देखेंगे कि विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर क्या है, सबसे अधिक तापमान रहता है। और सबसे अधिक तापमान रहने की वजह से आप यहाँ पर ये डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके डायग्राम बनाने का प्रयास करें। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। इसी तरीके से आपने साउथ के अंदर भी 23.5, 66 और 90 डिग्री बनाने हैं। और फिर इसके बीच में बताना है कि 23.5 से लेकर के कर्क से मकर के बीच का एरिया जो होता है ये कैसा होता है? उष्ण कटिबंध एरिया होता है ये वाला, यानी ताप कटिबंधों को आप यहाँ पर भी शो करें, क्लियर। तो क्या कारण है? तो देखिए जरा, यहाँ पर सूर्य की गर्मी साल भर रहती है भूमध्य रेखा पर, तो वहाँ पर क्या है, अति उच्च तापमान के वजह से उच्च वाष्पीकरण होता है। अब शुरुआत कहाँ से हुई बात की? तापमान से। और तापमान क्या है? जलवायु का एक कारक है। तो उच्च तापमान की वजह से उच्च वाष्पीकरण होता है, उच्च वाष्पीकरण की वजह से बादल बनते हैं, बादलों की वजह से अतिवृष्टि होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और बहुत अधिक वर्षा होने की वजह से वहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है। तो इस तरीके से सघन वनस्पति के कारण वहाँ पर उच्च जैव विविधता पाई जाती है। सबसे अधिक विश्व के अंदर अगर जैव विविधता अगर कहीं पाई जाती है तो वो है भूमध्य रेखा पर। इसके लिए तो इस प्रकार से आपने ये बात ध्यान रखनी है। तो विषुवत रेखीय प्रदेश उच्च तापमान अतिवर्षा के कारण सघन वन पाए जाते हैं, जबकि मध्य अक्षांशों में पतझड़ वन और शीत प्रदेशों में कोणधारी वन पाए जाते हैं। कल क्लास के अंदर भी ये मैंने ये रिपीट किया था। जलवायु कृषि पेटियों को भी निर्धारित करती है। जलवायु जो है वो कृषि पेटियों को निर्धारित करती है कि कहाँ पर गेहूं होगा, कहाँ पर चावल होंगे, कहाँ पर मक्का होगा, कहाँ पर गन्ना होगा। इन बातों को भी जलवायु प्रभावित करती है। उष्णकटिबंधीय तथा मानसूनी प्रदेशों में चावल की कृषि होती है, और जबकि शीतोष्ण कटिबंधों में गेहूं की पेटियां आपको देखने को मिलेंगी। गेहूं की कृषि कहाँ पे होती है? शीतोष्ण कटिबंधों के अंदर होती है। अमेरिका, यूरोप और रशिया जो अपना एशिया का ऊपर वाला हिस्सा है, इस पूरे बेल्ट के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा गेहूं की पैदावार होती है। भारत और चाइना ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये उपोष्ण कटिबंधों में आते हैं, मानसूनी प्रदेशों में आते हैं, इसीलिए यहाँ पर सबसे अधिक चावल की पैदावार होती है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या भी बहुत अधिक है। जनसंख्या बहुत अधिक होने की वजह से गेहूं से पेट नहीं भरेगा, इसीलिए चावल की पैदावार सबसे अधिक होती है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो चावल के लिए अधिक लाभदायक है। चलिए देखें, मरुस्थलीय मरुद्यानों में खजूर एवं छुआरों की कृषि की जाती है। पृथ्वी पर जनसंख्या वितरण की जलवायु के कारकों द्वारा प्रभावित होता है। ध्यान रखना, पृथ्वी पर जनसंख्या वितरण, जब हम जनसंख्या वितरण को पढ़ेंगे ना, या आप यूँ समझ लो कि हम किसी भी कारक, ऐसे कारक को पढ़ें जो प्रभावित करने वाला कारक हो, किसी भी वस्तु को, किसी भी जैसे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, पशु जनसंख्या को प्रभावित करने वाले, इसके अलावा व्यापार को प्रभावित करने वाले, किसी के बारे में भी आपसे पूछा जाए, नगरीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पूछा जाए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारक जो हमारे पास में रहने वाला है वो है जलवायु। जलवायु इन सब को नियंत्रित करती है, इसीलिए ये सबसे अधिक प्रभावित होता है।
तो देखिए जरा, जलवायु जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। आप देख पाएंगे कि हमारे पास में लगभग पृथ्वी की 80% जनसंख्या, ध्यान रखना, 80% जनसंख्या ऐसी है जो आपको 20 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में ही मिलेगी। कौन से? नॉर्थ अक्षांशों के बीच में मिलेगी। 20 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच में आपको जनसंख्या सर्वाधिक मिल रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है उपोष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। ये जो प्रदेश है ये कौन सा है? उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, इसीलिए यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। तो ये उपोष्ण और शीतोष्ण क्या है? ये है यहाँ की जलवायु। तो जलवायु जनसंख्या को प्रभावित करती है, प्रत्यक्ष रूप से करती है। पृथ्वी के समस्त क्षेत्र के केवल 30% भाग पर संसार की संपूर्ण जनसंख्या निवास करती है। हमारे पास में जो 100% एरिया है पृथ्वी का, जो स्थल भाग है जहाँ रहने योग्य, जो हमारे पास में प्लेस है, स्थल मंडल, जो सरफेस है हमारे पास में, यानी 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये हमारे पास में जो क्षेत्र है ये वो क्षेत्र है जिसमें 7 महाद्वीप आते हैं। तो 7 महाद्वीपों में की जो 30% भाग है ना, वहां पर विश्व की 70% जनसंख्या निवास करती है। क्या समझे? फिर से देखिए, 30% भाग ही ऐसा है, 30% भाग पर 70% जनसंख्या निवास करती है, और पीछे बचा 70% भाग जहां पर केवल 30% जनसंख्या रहती है। बात समझ में आई? हमारे पास में मान लेते हैं कि ये हमारे पास में पूरा सरफेस है, इस सरफेस का 30% एरिया, ये 30% एरिया जो है इस एरिया पर विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 70% जनसंख्या निवास यहाँ पे कर रही है, जबकि बाकी सब जगह पर कितनी जनसंख्या निवास कर रही है? अब पीछे कितनी जनसंख्या बच गई? तो पीछे हमारे पास में 30% जनसंख्या बच गई है। तो 30% जो जनसंख्या है वो 70% भाग पे रहती है, और 70% वो हिस्सा है जो अमूमन लोगों के रहने लायक नहीं है, प्रतिकूल जलवायु वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? देखिए जरा, जैसे शुष्क मरुस्थल है, सहारा है, आटाकामा है, ठीक है, पेंटागोनिया है, कालाहारी है, इस तरीके से जो मरुस्थल हैं वो 20% भाग को घेरे हुए हैं। पृथ्वी का 20% भाग केवल मरुस्थलों के पास में है, तो इसीलिए वहाँ पे सबसे कम जनसंख्या रहेगी। पर्वतीय क्षेत्र जो है ये पूरी पृथ्वी के 20% भाग को घेरे हुए हैं, जैसे हिमालय पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला है, रॉकी पर्वतमाला है, ये पर्वतमालाएं हैं, यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। हिमाच्छादित ठंडे क्षेत्र यानी जैसे साइबेरिया जैसे क्षेत्र हो गए, साइबेरिया हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये 20% भाग पर फैले हुए हैं। और अति उष्ण आर्द्र क्षेत्र, अति उष्ण, उष्ण यानी बहुत गर्मी, और अति आर्द्र यानी कि बहुत अधिक आर्द्रता यानी बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो उष्णार्द्र क्षेत्र जो है वो कौन सा है? वो है भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र। भूमध्य रेखा सबसे अधिक उष्ण और आर्द्र वाला क्षेत्र है, तो वो कितना हिस्सा है? पृथ्वी का 10% हिस्सा भूमध्य रेखा है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारे पास में 70% वो हिस्सा है जहां पर केवल 30% जनसंख्या ही रहती है। क्लियर? ये सब बातें किसकी वजह से संभव हो पाई, किसकी वजह से हुआ है? जलवायु की वजह से हुआ है, ये जलवायु के कारण है। तो जलवायु की दृष्टि से 70% स्थलीय भाग जलवायु की दृष्टि से जनसंख्या निवास के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। जलवायु के कारक पारिस्थितिक तंत्र को भी नियंत्रित रखते हैं। जल चक्र के रूप में वर्षा तथा वाष्पीकरण जल का संचरण रखते हैं। तो आप देख सकते हैं जलवायु के तत्व कौन से हैं? सबसे पहले तापमान है। अब तापमान जो है उसकी वजह से वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने के बाद में जलवायु का दूसरा कारक है हमारे पास में वायुदाब। तो वायुदाब की वजह से क्या होते हैं? बादल बनते हैं। उसके बाद में हमारे पास में तीसरा उसका कारक है जलवायु का, वो है वर्षा। तो फिर उसके वर्षा होती है। तो मतलब वाष्पीकरण होना, बादल बनना और वर्षा होना, ये क्या है? जल चक्र है। तो इस जल चक्र को कौन प्रभावित करता है? जलवायु प्रभावित करती है।
तो जैसा जल चक्र होगा वैसी पारिस्थितिकी तंत्र को भी वो नियंत्रित करेगी। वर्षा की मात्रा के अनुसार ही वनस्पति होती है, कैसी वर्षा होगी उसी अकॉर्डिंग वनस्पति होगी। कम वर्षा होती है तो मरुस्थलीय वनस्पति होगी, अधिक वर्षा होगी तो अति सघन या सदाबहार वन हमें देखने को मिलेंगे। अन्य जैव विविधता क्रियाशील रहती है वर्षा के कारण, अतः जलवायु एक महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक के रूप में पर्यावरण को प्रभावित करती है। क्लियर है दोस्तों, इस प्रकार से हमें जलवायु के कारकों को ध्यान रखना है। जलवायु किस प्रकार से मानव जीवन को भी प्रभावित करती है ये बात हमें इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़नी थी, तो वो बात आप लिख सकते हैं कि 30% भाग ऐसा है जहां पर 70% जनसंख्या निवास करती है और 70% भाग ऐसा है जहां 30% जनसंख्या निवास करती है। एक आपके पास में जो फैक्ट है वो ये वाला हो गया। दूसरा फैक्ट कौन सा आ गया हमारे पास में कि विश्व की 80% जनसंख्या जो है, 80% ऑल ओवर 80% जनसंख्या केवल 20-60 degrees नॉर्थ लैटिट्यूड के बिटवीन जो है यहाँ पे रहती है, इन दोनों के बीच में ही रहती है। तो ये क्या चीज़ है, इस पर कौन सा लॉजिक बैठेगा? तो इस पर भी जलवायु का लॉजिक बैठता है, जलवायु की वजह से ही यहाँ जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। क्लियर है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जल राशियाँ, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है और जो कि मानव पर्यावरण संबंधों को स्पष्ट करने का ये हमारा आखिरी पॉइंट रहेगा। पांचवें प्रश्न का हमारा आखिरी चरण जो चल रहा है, जल राशियाँ किस प्रकार से मानव को प्रभावित करती हैं। तो अब फिर से देखिएगा जल राशियों के अंदर हमारे पास फिर से कौन से पॉइंट आने वाले हैं, जलवायु भी आने वाली है क्योंकि जल राशियों को नियंत्रित कौन करती है, जलवायु नियंत्रित करती है। जलवायु कैसे नियंत्रित करेगी, क्योंकि जलवायु के जो तत्व होते हैं जैसे तापमान, तापमान बढ़ेगा तो जल राशियों में से जल वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होकर बादल बनेंगे, बादल बनकर के पहाड़ों से टकराएंगे, टकराने के बाद में वर्षा होगी, वर्षा होने के बाद में नदियों को पानी उपलब्ध होगा। तो नदियों को जल की व्यवस्था कौन उपलब्ध करवाता है, तो वो उपलब्ध करवाती है जलवायु यानी वर्षा। तो वर्षा उसको जल उपलब्ध करवाएगी तब जाकर के नदियों में पानी आएगा। अगर वर्षा नहीं होती है तो नदियों में पानी नहीं आएगा। तो नदियां, क्योंकि जल राशियों में हम किसको पढ़ने वाले हैं, जल राशियों के अंदर हम स्थिर जल को और गतिशील जल को हम पढ़ने वाले हैं। तो स्थिर जल के अंदर क्या आते हैं, झील, तालाब, सागर, ये स्थिर जल के अंतर्गत आते हैं। और गतिशील जल में क्या आते हैं, नदियाँ, नहरें, झरने, तो ये सब किस में आते हैं, गतिशील जल के अंतर्गत आते हैं, जल राशियों के अंतर्गत आते हैं। और हमने देखा कि जितनी भी सभ्यताएं आज तक हुई हैं वे सारी की सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे पर हुई हैं। और कहाँ हुई हैं, मैदानों में हुई हैं। जब आप सभ्यता के बारे में, जब आप उचावच के बारे में लिख रहे होंगे तो सभ्यताओं का नाम आपने उचावच में भी लिखना है कि ये सभ्यता इस मैदान में, इस मैदान में, इस नदी के मैदान में उत्पन्न हुई, यहाँ संपन्न हुई, यहाँ विकास हुआ और यहाँ नष्ट हुई। ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे पर हुई, सिंधु के मैदान में हुई। तो मैदानों की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर भी आपने सभ्यता का नाम लेना है, और जब हम जल राशियों की बात करेंगे फिर से सभ्यता का नाम लेना है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो हमारे ही चारों ओर चलती रहेगी और हमें उसी को ही समझना है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक के बाद एक कड़ी आगे जुड़ रही है और बातें सेम टू सेम रिपीट हो रही हैं, इसलिए इन बातों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से गौर फरमाइए, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से बीच बीच में से पॉइंट को उठाइए कि हमें ऊंचावच की जब हम बात करेंगे तो हमें किसकी चर्चा करनी रहेगी, अवस्थिति की बात करेंगे, जलवायु की बात करेंगे या जलराशियों की बात करेंगे, तो हमें किस मेन बिंदु की चर्चा हमें यहाँ पर करनी रहेगी। जलराशियाँ आ गई तो जलराशियों में आप सीधा सीधा कहोगे कि जलराशियाँ जो होती हैं ये दो प्रकार की हैं, गतिशील और स्थिर जलराशियाँ। गतिशील के अंतर्गत आप बता देंगे कि नदियाँ, नहरें और झरने होते हैं, और स्थिर जल के अंदर झीलें, तालाब और सागर होते हैं। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि हमें नदियों की भी व्याख्या करनी है, तो अब आप इसके अंतर्गत आप लिख पाएंगे। तो देखिए जरा, जैसे विश्व की आपको 75% जो जनसंख्या है, विश्व की 75% जनसंख्या आपको तटीय क्षेत्र के सहारे देखने को मिलेगी। तो कहाँ पर मिलेगी, तट पर मिलेगी। अब तट कहाँ पर होता है, तट नदी का भी हो सकता है, झील का भी हो सकता है, तालाब का भी हो सकता है और महासागर का भी तट हो सकता है। क्लियर है, तो इस तरीके से विश्व की 75% जनसंख्या
तट के किनारे पर रहती है। ये बात डिपेंड कर रही है किस पर, जल राशियों पर डिपेंड कर रही है, कि इसका मतलब ये हुआ कि मानव जो है वो जल राशियों के निकट रहना पसंद करता है। तो मानव का जल राशियों के साथ में कैसा संबंध है, यानी मानव का उस पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है, एक अच्छा संबंध उसका बना हुआ है क्योंकि उसे जल की जरूरत है। ठीक है, जल ही जीवन है, ये बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जल राशियां मानव जीवन का आधार होती हैं। आगे बात हमारे पास में, विभिन्न भू आकृतियों की भांति जल राशियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। जीन ब्रूश जो कि फ्रांसीसी विद्वान है और ब्लाश का शिष्य है, क्लियर, इन बातों को भी साथ साथ में आप याद रखिएगा। जीन ब्रूश क्या कहते हैं, जल एक महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्ति है। अधिक सत्य है तो यह है कि यह मानव के लिए कोयला और स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान संपत्ति है। पहले उसने क्या कहा कि यह आर्थिक संपत्ति है, और अगर और अच्छे तरीके से मैं कहना चाहूँ तो ये भी गलत नहीं होगा कि जल जो है हमारे लिए वो कोयला और सोने से भी जो है महत्वपूर्ण जो हमारे पास में संपत्ति है। सभी जगह जल क्षेत्र मानवीय क्रियाकलापों पर प्रभुत्व रखता है। प्राकृतिक जल राशियों के अंतर्गत क्या आते हैं, महासागर, सागर, नदियाँ, झीलें, जलाशय। यहाँ कैसे डिवाइड किया इसने, प्राकृतिक, तो प्राकृतिक जल राशियाँ और कृत्रिम जल राशियाँ। कृत्रिम में आप क्या लिख सकते हो, तालाब और नहरें लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप जल राशियों को दूसरे दो भागों में बांट सकते हो, एक गतिशील के नाम से और एक आप स्थिर के नाम से बांट सकते हैं। जल चक्र इनके नियमित परिसंचरण में सहयोग करता है। जल चक्र, अगर जल चक्र आपसे पूछा जाए कि जल चक्र क्या होता है, तो यहाँ पर आप जल चक्र जरूर बनाइएगा, मतलब आपने इस तरीके से एक महासागर बनाना है, इस महासागर से जो है वाष्पीकरण होगा, दिन के समय क्या होगा अभी वाष्पीकरण होगा यहाँ से, तो वाष्पीकरण होकर के बादल बनेंगे, क्या बनेंगे भी बादल बनेंगे, और बादल बनने के बाद में जो हमारे पास में स्थल भाग है, जो हमारे पास में पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, तो बादल बनने के बाद में ये बादल यहाँ पर आएंगे, टकराएंगे और वर्षा करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे वर्षा करेंगे, वर्षा करने के बाद में यहाँ से क्या होंगे भी नदियाँ बह करके महासागरों में जाएंगी। तो ऐसा एक डायग्राम आप जरूर बना देना, ये डायग्राम किसके लिए है, जल चक्कर से संबंधित है, ठीक है, क्लियर हो दोस्तों, इस तरीके से चलेंगे। तो अब देख लीजिए क्या बात कहता है यहाँ पे दूसरी, महासागर एक महत्वपूर्ण जल राशि के रूप में संपूर्ण जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करता है। महासागर सबसे बड़ी जल राशि है, महासागर क्या है भी सबसे बड़ी जल राशि है जो पूरे के पूरे जैव मंडल को या जीव मंडल को एक जीवन प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जितना भी जीवन आप देख रहे हैं वो पूरा का पूरा किस पर आधारित है, जल राशियों पर आधारित है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो ये महासागर उस पूरे जैव मंडल को नियंत्रित करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है, यहाँ से ही बादल बनते हैं, यहाँ से ही वाष्पीकरण होता है, और दूर दूर तक जाकर के मरुस्थलों में जाकर के जहाँ थोड़ी बहुत बारिश होती है तब जाकर के उनको वहाँ पे जीवन जीने योग्य पानी उपलब्ध होता है। कहीं पर बहुत अधिक वर्षा होती है तो कहीं पर बहुत ही कम वर्षा होती है। स्थलीय जलराशियों और जनसंख्या के वितरण में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है, घनिष्ठ संबंध है। तो मानव का जलराशियों के साथ में कैसा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। जलराशियों के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के उच्चावच निर्मित होते हैं। जलराशियों की वजह से क्या होते हैं भी उच्चावच निर्मित होते हैं या नियंत्रित होते हैं। कैसे, अब पहाड़ कोई बन गया है तो उस पहाड़ के साथ में पानी बादल टकराएंगे, बरसात करेंगे, उन बरसात का जो पानी है नदियों के रूप में जब आए बह कर के आएगा तो अपने साथ में वो मिट्टी का कटाव करता हुआ भी आएगा। बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, जैसे हमारी अरावली पर्वतमाला है, ये एक समय में हिमालय पर्वतमाला से भी ऊंची थी, जो कि धीरे धीरे कट करके आज
अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में हमें देखने को मिलती है। जालोर की जो पहाड़ियां हैं वो भी इन पहाड़ियों का ही, इस अरावली पर्वतमाला का ही एक छिटपुट हिस्सा हुआ करती थी, जो आज अरावली पर्वतमाला से इतनी दूर हो चुकी हैं। कारण क्या है इसका? लंबे समय तक यहाँ पर क्या होता रहा है, कोई कटाव होने की वजह से आज ये अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में आप देख सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि जलराशियाँ ऊंचावच को नियंत्रित करती हैं। अब देखिए जरा, सब कड़ी एक दूसरे से जुड़ रही है। जलराशियाँ नियंत्रित करती हैं किसको? ऊंचावच को। और ऊंचावच नियंत्रित करते हैं किसको? जलवायु को। और जलवायु नियंत्रित करती है किसको? जल राशियों को। दैट्स क्लियर। इस तरीके से ये पूरा सर्कल चलता रहता है। पृथ्वी पर कोई भी ऐसा वस्तु पदार्थ नहीं है जो बिना सर्कल के अंतर्गत चलेगा। तो जहाँ पर भी सर्कल टूटा वहाँ असंतुलन बना और वहीं पर ही आपदाएं आई। तो हमने देखा है, कितनी चीज़ें देखी हैं कि वो सर्कल में ही चलती हैं हमेशा। जैसे जल चक्र होता है, ऑक्सीजन चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र होता है, कार्बन चक्र होता है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। महासागर एवं सागर प्रमुख जलराशियों के रूप में जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो ये जलवायु को प्रभावित भी कर रहे हैं। वायु में नमी की मात्रा, वाष्पीकरण तथा तापमान में न्यूनता आदि प्रभाव जलराशियों के होते हैं। विभिन्न जलराशियों के स्वतंत्र पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होते हैं। प्रत्येक जलराशि का एक अपना पारिस्थितिकी तंत्र होता है। छोटी बड़ी मछलियां वहां पर निवास करती हैं। समुद्रों का अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जिसमें समुद्री जीव एवं पादप विकसित होते हैं। इसी प्रकार झील का, नदी का, तालाब का अपना अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जलराशियाँ पर्यावरण के एक विश्वव्यापी तत्व के रूप में संपूर्ण पृथ्वी को संयोजित करने का कार्य करती हैं, जिस हेतु समुद्री एवं अंतस्थलीय जलमार्ग का प्रयोग किया जाता है। पूरे के पूरे विश्व को जोड़ के रखे हुए हैं जलराशियाँ। आप किसी भी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहेंगे, जल राशियों के माध्यम से आप कहीं पर भी जा सकते हैं। पृथ्वी के कोने कोने तक जा सकते हैं, जहां पर एरोप्लेन्स भी नहीं जाएंगे वहां पर जल राशियाँ आपको लेकर के जाएंगी। ये इनकी खासियत है। यातायात के मार्गों के साथ ही व्यापार को भी गति मिलती है। किनकी सहायता से? जलराशियों की सहायता से। अंतस्थलीय जलमार्ग राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में जलराशियां हैं। जैसे आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका की महान झीलें, यहाँ पर पांच हैं झीलें हैं जिन्हें ग्रेट फाइव लेक्स कहा जाता है। ग्रेट फाइव लेक्स कहते हैं, ग्रेट फाइव लेक्स, ठीक है। इनके नाम हैं होम्स, ह्यूरॉन, ओंटेरियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर, ठीक है। ये मीठे पानी की झीलें हैं। तो सुपीरियर झील जो है वो सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इन पांच झीलों के साथ में एक नदी निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी, लॉरेंस नदी जो है यहाँ से निकलती है। तो पांच झीलें और सेंट लॉरेंस नदी मिलकर के विश्व का सबसे लंबा अंतस्थलीय जल मार्ग का निर्माण करती हैं। अंतस्थलीय जल मार्ग का निर्माण करती हैं। तो अगर आप ये चीज़ें भी लिख करके आते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। एग्जामिनर आपसे बहुत प्रसन्न होगा, आपको खुले दिल से नंबर मिलेंगे जब आप फैक्ट को लिख करके आते हैं। देखो, जब आप कहानी लिख करके आते हैं ना, कहानी बना देते हैं कि हाँ मानव का पर्यावरण के साथ में बहुत अच्छा संबंध है, पर्यावरण के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है, जल ही हमारा जीवन है और जल के बिना हम संभव नहीं है, जल के बिना हम जी नहीं सकते हैं, जल के बिना हम नहा नहीं सकते हैं, धो नहीं सकते हैं, ये बातें जो होती हैं ना, ये बातें ज्योग्राफी स्टूडेंट के लिए जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। इसीलिए आप इन बातों को छोड़ करके, कहानियों को छोड़ करके थोड़े थोड़े बीच में फैक्ट जो है वो डालते जाएं। इसके अतिरिक्त तो ये देख लिया आपने, तो अमेरिका और कनाडा को उत्तम अंतर्देशीय जलमार्ग प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त मत्स्य व्यवसाय भी पनपता है। सबसे बड़ा जो मत्स्य केंद्र है वो है अभी ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक जो है विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य केंद्र है, जो कि यहीं यूएसए और कनाडा के तट पर स्थित है।
उपरोक्त तत्वों के अतिरिक्त खनिजों को भी पर्यावरण के तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। खनिज भी क्या है? पर्यावरण के तत्व हैं। जो हम पढ़ रहे थे ना, पर्यावरण के सात तत्व हमने लिखे थे शुरू शुरू में, वहाँ पर, यहाँ पर खत्म होती है ये कहानी हमारी पूरी की पूरी। और इसके बाद में कहता है कि उपरोक्त तत्वों के अलावा खनिज जो होते हैं ये भी पर्यावरण के तत्व होते हैं। किसी भी प्रदेश की पर्यावरणीय स्थिति को निर्धारित करने में खनिजों का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर? तो आप देख पाएंगे जैसे एंडीज पर्वतमाला, जहाँ पर आपका एक प्रश्न बनना चाहिए था कि सर 70% भाग ऐसा है जो रहने योग्य नहीं है, फिर भी वहाँ पे जनसंख्या क्यों रह रही है, 30% जनसंख्या क्यों रहती है? इसका कारण है, जैसे एंडीज पर्वतमाला है तो वहाँ पर अटाकामा मरुस्थल है उसके पश्चिम में, और एंडीज पर्वतमाला पर अपने को मिलेगी तांबे की सबसे बड़ी खान। तो तांबे की खान वहाँ पे मिल रही है, इस वजह से वहाँ पे जनसंख्या रहती है। उधर दूसरी तरफ हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है, तो वहाँ पे जोहान्सबर्ग जो है हमारे पास में सोने की खान है। किम्बरले और जोहान्सबर्ग ये सोने हीरे की खाने हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। ऑस्ट्रेलिया में बात करें, जहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, जहाँ चारों तरफ मरुस्थल ही मरुस्थल है, वहाँ पे हमें कालगुरली और कुलगाड़ी जैसी हमें क्या मिलती हैं, भी सोने की खाने वहाँ पर हमें मिलती हैं। तो इस वजह से वहाँ पे जनसंख्या जो है वो निवास कर रही है। तो ये फैक्ट होते हैं जो जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यही बात तो इन्होंने यहाँ पे कही है कि खनिज भी पर्यावरण के तत्व होते हैं। क्लियर? चलिए, तो इस प्रकार से ये हमारे पास में 5th क्वेश्चन था, जो कंप्लीट होता है यहीं पर ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।